गाइज मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चैनल में। आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिस महिला ने 13 साल तक एक अंगूठी को पहने रखा और उसको वो सामान्य समझ रही थी, पर जब उस अंगूठी की असली सच सामने आया तब वो काफी ज्यादा हैरान हो गई और दूसरे लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए कि उस अंगूठी को वो 13 साल से सिर्फ उसको नॉर्मल समझ के वो अपनी उंगली में पहन रही थी। क्या है उसका राज? तो चलिए आज की न्यूज में मैं आपको उसके बारे में, उस अंगूठी के बारे में बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। और मैं आज आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, मेरी न्यूज के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका आंसर जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। बोलते हैं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और बहुत सारे लोगों की ऐसी किस्मत भी खुली है, और जब खुलती है किस्मत तब शख्स भी पहचान नहीं पाता कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ को मैं क्या करूँ। उस वक्त इंसान बहुत ही ज़्यादा पागल सा हो जाता है, खुशी के मारे पागल सा हो जाता है कि उसकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। कभी कभार कुछ इंसान अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं और उसी जगह पर उनकी ही किस्मत थोड़े दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा चमक जाती है। ऐसे ही हमारे सामने लंदन से एक खबर आ रही है जहाँ 13 साल से एक महिला एक अंगूठी को पहन रही थी, उसमें एक स्टोन था और वो स्टोन काफी ज्यादा खराब हो चुका था, वो अंगूठी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, तो उसको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो उसने सोचा कि शायद मैं इसको बेच के शायद मैं कुछ ले लूं। तो उसने एक्चुअली इसकी जो कीमत उसने दी थी, वैसे वो कीमत $46,000 है वहां के हिसाब से, और ये 26 to 27 carat का ये एक्चुअली एक हीरा निकल आया जब उसने टेस्ट करवाया। और ये कितने का हीरा, अगर मैं आपको $46,000 का अगर आपसे मैं पूछूं एक सवाल कि इंडियन रुपीस के हिसाब से वो कितना बनेगा, तो मुझे आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो अंगूठी कितने की होगी अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाए। तो उस महिला ने जब देखा कि वो अंगूठी काफी ज्यादा गंदी हो गई है तो वो एक ज्वेलर के पास गई, और ज्वेलर के पास जाके उसने इस अंगूठी को दिखाया, और उसने जब अंगूठी को दिखाया तब ज्वेलर काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आप इस अंगूठी को बेचना चाहती हैं और कितने में। तो उसने बोला कि आप कितना भी दे दो, मुझे भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब उसने बोला कि जो आपके पास ये स्टोन है ना, ये 19वीं सदी का बहुत पुराना स्टोन है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ये चीज़ वहाँ पर सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। वैसे उसके साथ धोखा भी हो सकता था, पर उसकी किस्मत उस दिन खुली थी और इसीलिए उसके साथ धोखा भी नहीं हुआ, और इतनी ज़्यादा किस्मत खुल के उसको करोड़ों का फ़ायदा हो गया। और फिर तो क्या था, बस उसने इस अंगूठी को बेचने के लिए सोच लिया और वो रातों रात उस अंगूठी को बेच के करोड़ों की मालकिन बन गई। तो गाइस किस्मत एक्चुअली बोला नहीं जा सकता कि कब पलट जाती है, कभी कभार बहुत अमीर लोग होते हैं और उनकी किस्मत कभी ऐसी पलट जाती है कि नीचे गिर जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनकी किस्मत ऐसे पलट जाती है जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें रानू मंडल की किस्मत भी बहुत जल्दी पलटी, वैसे ही इस महिला की पलटी। तो मुझे कमेंट का जो मैंने आपको सवाल पूछा उसका आंसर जरूर दीजिए, बताइए $46,000 को अगर हम इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करें तो वो कितने पड़ते हैं, कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।